अच्छा, इसके बाद आने वाला टेबल का क्या नाम होगा हमारे? वीडियो का। टेबल का नाम है हमारा वीडियो। पहली फील्ड जो होगी इसमें VID यानी के वीडियो ID। सेकेंड जो इसमें हमारे पास होगी वो फील्ड, नहीं, सब कैटेगरी ID, SCID, SID रखा था। नाम आगे पीछे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इंटीजर इंटीजर दोनों रहेंगे। इसका क्या नाम होगा? वीडियो नेम, नहीं वीडियो नेम नहीं, टाइटल, ठीक है, टाइटल इमेज, अच्छा मजीद और बताएं। हाँ टाइटल इमेज डिस्क्रिप्शन, अच्छा लिंक आ गया आपके पास या एम्बेड कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद डेट टाइम, बस इंटीजर रहेंगे ये, वारचार, टाइटल इमेज का नाम, डिस्क्रिप्शन वारचार, लिंक वारचार, डेट टाइम का आएगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। डेट टाइम की टाइप क्या देंगे आप लोग? टाइम स्टैम्प। डेट टाइम भी दे सकते हैं, टाइम स्टैम्प भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा 11 11 25, टाइटल, टाइटल की लेंथ में थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, 50। टाइटल इमेज बड़ी नाम हो सकता है पिक्चर का, डिस्क्रिप्शन और लिंक, अच्छा ऑटो इंक्रीमेंट, और इसको क्या करेंगे हम लोग? इंडेक्स करेंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। टाइम स्टैम्प के अंदर हम लोग कोई लेंथ डिफाइन नहीं करते, क्लियर है। अब इसका हमने क्या बनाना है? इसका भी रिलेशन बनेगा। इसका रिलेशन कैसे होगा कि सब कैटेगरी आईडी, कैस्केड, ठीक है। उसके बाद और मज़ीद टेबल आपके कमेंट्स, ठीक है। कमेंट से पहले बनाओ टेबल यूज़र का, ठीक है, यूज़र का टेबल बनेगा। और यूज़र के टेबल में सबसे पहले हम क्या चीज़ डालेंगे? यूज़र की आईडी। उसके बाद यूज़र की आईडी के बाद यूज़र का नेम, पासवर्ड, पासवर्ड के बाद उसका ईमेल, पहले ईमेल कर लें, ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद फोन, ठीक है, वारचार, वार चार, अच्छा एक रह गई, यूज़र है ना, हाँ सही है, ठीक है, 11 नेम, 25 ईमेल, 25 पासवर्ड, हाँ पासवर्ड हम लोग इसका जो है क्या कहते हैं MD5 में देंगे, 32 करेक्टर लेगा, तो 32 से 36, 36 या 40 कर लेता हूँ मैं इसको। और फोन के लिए मैं ऑटो इंक्रीमेंट, इसके बाद सेकेंड टेबल हमारे पास किसका होगा? कमेंट्स का। कमेंट्स में जो सबसे पहली चीज होगी वो कमेंट की आईडी, CID तो नहीं दे सकते ना, इसको आईडी दे देते हैं, कमेंट की आईडी हो गई। उसके बाद वीडियो
वीआईडी हो गई, यानी कि किस पर उसने ये किया है। उसके बाद सेकंड हमारे पास यूज़र आईडी, यानी कि यू आईडी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेटस, उसके बाद हमारे पास डेट टाइम, कमेंट तो लिखा नहीं, स्टेटस, हाँ स्टेटस भी होगा, और कमेंट तो हमने लिखा नहीं कि कमेंट का डेटा होगा क्या, ठीक है। यानी कि एक और इसे फील्ड का इजाफा कर लें कि उसके बकायदा कमेंट होंगे क्या, ठीक है, और फिर डेट टाइम। टाइम स्टैम्प, कमेंट वार चार, स्टेटस वार चार, ये सब आपके ही होगा। लेंथ 11 11 11, स्टेटस, कमेंट, डेट टाइम में लेंथ नहीं डिफाइन करेंगे, हमने क्या बना लिया इसको, ठीक है, वीडियो आईडी, और सेकेंड इसको भी इंडेक्स रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो यू आई डी है वो नहीं आएगी, बल्कि यूज़र की यहाँ पे क्या आएगी, ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे यूज़र का सेव करवाएंगे, उसकी आईडी सेव नहीं करवाएंगे, ठीक है। या आईडी, हाँ यूज़र की आईडी आ जाएगी, लेकिन इसको आप लोग रिलेशन नहीं बनवाएंगे, इसका रिलेशन एक का बनेगा एक का। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी इसकी वीडियो आईडी और वीडियो आईडी, तो आपने करा लिया कैस्केड कैस्केड और सेव, यूजर की आईडी आ जाएगी। देखो रिलेशन हम इसलिए नहीं बना रहे, उसका यूजर की आईडी आएगी, जो भी उसकी होगी, सिंपली उसकी अगर आईडी 4 है तो 4 आगे सेव हो जाएगी, और फिर हम उसकी आईडी से उसको निकाल लेंगे, उसके डेटा को। रिलेशन नहीं बनाएंगे, रिलेशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि रिलेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर यूजर डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है यूजर, तो उसके उसके कमेंट से उसका क्या ताल्लुक है, कमेंट रहेगा। हाँ, यूजर का नेम आएगा, आईडी से सब कुछ निकल आएगा ना, उसकी आईडी डिलीट नहीं होगी ना। अच्छा, आईडी अगर डिलीट हो जाएगी तो आईडी आईडी डिलीट होगी, यूजर को डिलीट, चलो देखते हैं इस पे, देखते हैं, सोचते हैं इस पे, अगर डिलीट करना है या नहीं करना, क्या करना है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और कुछ, सारे टेबल बन गए, एक टेबल रहता है, कौन सा टेबल रहता है, एडमिन का टेबल रहता है। एडमिन की आईडी और एडमिन का नेम, ईमेल, पासवर्ड, टेबल हमारे तमाम बन गए, डेटाबेस हमारा तैयार है। कोई चीज़ रहती है इसमें अभी, क्लियर, कंप्लीट है, ओके जी। अब हमने क्या करना है, एक एडमिन के अंदर एक रिकॉर्ड हम डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेम मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल एडमिन,
डमी रिकॉर्ड हमने ऐड किया है, उसके बाद हम बाकी का काम इसमें शुरू करेंगे अपने फोल्डर में। अच्छा थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना।